और अगर हमास के खिलाफ इजरायली सेना ने जंग तेज की तो हमास ने खुद को भी मजबूत दिखाने के लिए एक वीडियो जारी कर दिया और दावा यह किया कि इजरायली सेना पर उसके लड़ाके एक के बाद एक आग बरसाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में हमास के लड़ाके गाजा में नरसंहार मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाजा के जमीनी रास्ते से दस्तक देते और आगे बरसते हुए एक के बाद एक कई गोले बरसाए जा रहे हैं और फिर सुरंग में घुसते हुए भी ये जवान दिखाई देते हैं। कायरों की तरह हो रहे इन हमलों का जवाब जल्द देने की इजरायली सेना ने ठान ली है और रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि इस बार गाजा का मैदान हमास का कब्रिस्तान बनेगा। मैदान में मिसाइलें गरज रही हैं। तोप के गोले बरस रहे हैं। घातक हथियार आग उगल रहे हैं। खूंखार सैनिकों की यह बटालियन नरसंहार मचा रही है। यह हमास की गाजा में जमीनी जंग की तस्वीर है। बंकर के बीच से यहां बारूद की बारिश हो रही है। दीवार को ढाल बनाकर इजरायली सेना पर गोलियों की बौछार की जा रही है। वो शांत चाल से गाजा के जमीनी रास्तों में घुसते हैं। घातक हथियारों से कहर ढहाते हैं। कुछ मिनट मौत बरसाते और फिर पलक झपकते जमीन के अंदर चले जाते हैं। ये हमास की किलर ब्रिगेड है जो ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायल के खिलाफ उतरी है। इस वीडियो को खुद हमास कमांडर ने जारी किया है जिसमें हमास के गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को दिखाया गया है। वीडियो के जरिए हमास ने अपने लड़ाकों की युद्ध नीति को समझाया है। कि कैसे ये किलर ब्रिगेड मौत बरसाती है, गाजा के मैदान में तबाही मचाती है और कहर बनकर इजरायल की सेना पर टूट पड़ती है। बस्ती के बीच से गुजरते ये इजरायली सेना के टैंक जिन्हें हमास के लड़ाके अपने घातक हथियारों के दम पर आग की लपटों से घेर लेते हैं। बारूद से लबरेज इमारतें, धुएं के गुबार में तब्दील ये बस्तियां, ताबड़तोड़ चलती ये गोलियां, रास्तों के बीच खुले आम पड़ी लाशों का अंबार, ये बता रहा है कि आज का गाजा यही है जहां घर खंडहर में बदल चुके हैं और घर खाक हो चुके हैं। जमीन के अंदर बसे इस बारूदी गोदाम से सप्लाई होती है और फिर इजरायल की सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं। ये वो गाजा है जहां मौत के आंकड़े एक बोर्ड पर घंटे दर घंटे बढ़ते जा रहे हैं।
जहां मासूमों की मौत का जिम्मेदार कोई एक शख्स नहीं है, जहां बच्चों की सिसकियों का कोई एक कसूरवार नहीं है। हमास के लड़ाके जो एक बस्ती में अंदर बने घर में पहुंचते हैं, यहां पर इजरायली दो टैंक दस्तक देते हैं। दबी चाल से हमास के लड़ाके सुरंग के रास्ते टैंकों के पास पहुंचते हैं। दूर इमारत में घात लगाए बैठे खूंखार कमांडो हाथ में लॉन्चर लोड करते हैं, टारगेट सेट करते हैं और टैंक पर दाग देते हैं। हमास कमांडर के एक इशारे पर खून खराबा मचाने वाले ये हैवान हंटर्स, जिसे उनके दुश्मन देश जल्लाद कहते हैं, बारूद का कब्रिस्तान तैयार कर देते हैं। हमास कमांडर के हर डर्टी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना इनका मकसद होता है। इनके वेपन घातक हैं, जिनके दम पर ये इजरायली सेना को गाजा में घुसने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में हमास लड़ाकों का आंकड़ा सटीक नहीं, लेकिन पिछले करीब 30 दिनों में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इन्होंने तबाही की वो तस्वीर दिखाई जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। हमास के लड़ाकों का मकसद केवल जंग में जीत है। बेकसूर लोगों के खून से गाजा की जमीन को गीला कर रहे हैं, अपनी ढाल बनाकर ग्राउंड ऑपरेशन को तेज कर रहे हैं और इसका दावा खुद उनका प्रवक्ता कर रहा है, जिसके मुताबिक अब तक 60 से ज्यादा बंधकों की मौत हो चुकी है और 23 शव अब भी मलबे में हैं। हमास की इस करतूत पर इजराइल की सेना का खून खौल गया है और उसने साफ कह दिया है कि हमास का अंजाम तय है, गाजा का मैदान होगा और हमास का कब्रिस्तान होगा। רבות ואנחנו עושים את מה שנדרש. גדודי החמאס סופגים מכות קשות ואנחנו מפרקים גדוד אחרי גדוד. אפשר לראות כאן את אזורי העיר עזה, בכל מקום כזה, בכל ריבוע כזה, יש לפחות מסגרת גדודית או פלוגתית. המסגרות האלה הולכות ומתקרסמות, הולכות ומתפרקות כתוצאה מהפעולה הנחושה של לוחמי צה"ל. אני יכול לומר לכם ש... ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर इजरायली सेना दावा कर रही है कि हमास के खिलाफ छिड़े ग्राउंड ऑपरेशन में हमास घुटनों पर आने लगा है। इजरायली सेना के जवान चुन चुन कर हमास के लड़ाकों को खत्म कर रहे हैं।